चौरस्ते के ऊपर बहादुरपुरा फ्लाईओवर बन रहा है। आपके जरिए ठहरकर मैं मिनिस्टर साहब से बड़े अफसोस से कहता हूं साहब, एक तकलीफ हो रही है साहब। आपकी गवर्नमेंट का नाम बदनाम हो रहा है, मेरे एरिया का नाम और मेरा नाम बदनाम हो रहा है। बहादुरपुरा फ्लाईओवर को आज 4 साल पहले आप फाउंडेशन स्टोन डाले थे। जब देखता हूं सर, हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, हैदराबाद शहर के अंदर हर जगह काम हो रहा है सर। आप बड़े बड़े फ्लाईओवर बना डाल रहे हैं, बड़े बड़े समझो आप रोड्स पड़ जा रहे हैं सर। एक फ्लाईओवर क्यों रुक रहा है सर ये काम? ये काम कराइए साहब, नाम की बदनामी आपकी गवर्नमेंट की हो रही है। एक 4 साल से SRDP के तहत एक ब्रिज नहीं बन रहा है। आप जैसा बता रहे थे, ठीक आप बताया आपने, थोड़ा वक्त लगा पर अप्रैल में इनॉग्रेट कर देंगे, जरूर कंप्लीट कर देंगे। अध्यक्ष मित्रों, मौजम खान का रहते थे जब पैरों बहादुरपुरा फ्लाईओवर, अगले ही महीने उसका भी इनॉग्रेशन हो जाएगा। बहादुरपुरे का भी काम मुकम्मिल कर देंगे और अगले ही महीने इनॉग्रेट करेंगे, आपको भी साथ लेके चलेंगे और आपको भी मुतमैन करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। वैसी जंक्शन का भी फ्लाईओवर हमने पूरा किया और बाकी अभी मलकपेट से जो IAS सदन तक है उसका भी अभी काम चालू हो गया। तो एक के बाद एक मैं बोलता हूँ, फेज टू में ले रहे हैं वो भी बोलता हूँ आपको, मैं फलक नुमा का भी बोलता हूँ आपको, बनलगुड़े का भी बोलता हूँ। काम ले चुके हैं और कितने काम कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड सर, SRDP के जो प्रोजेक्ट्स हैं सर, उसमें फंड्स कहाँ से आ रहा है और कितना अब तक खर्चा कर चुके हैं फंड्स का। सर थर्ड पॉइंट ये है, जो प्रोजेक्ट के लिए SRDP के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या उसके लिए लोन लिया जा रहा है? अगर लोन लिया जा रहा है तो ये लोन रीपेमेंट के गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से किया जाएगा। सर आखिरी में सर ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं SRDP प्रोजेक्ट के तहत चार मीनार जोन कुकटपल्ली शेरलिंगमपल्ली सिकंदराबाद LB नगर और खैरताबाद जोन्स में कितने कितने काम कहाँ हुए हैं, और चार मीनार जोन के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सर, एक तो SRDP के तहत फलकनुमा ब्रिज की तामीर हो रही है, एक बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहादुरपुरे के, और एक एक सर फलकनुमा फ्लाईओवर बन रहा है। फलकनुमा फ्लाईओवर का एक तरफ का पैसेज जो उतरने का है वो बन चुका है, राइट साइड का जो चढ़ने का है वो अब तक नहीं बना है। ये कहे जा रहा है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के तहत कुछ काम बाकी है, स्टोन आ गया। ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम कर रहे हैं सर, एक डिले कर रहे हैं। दुनिया की ट्रैफिक जैम है, बल्लागुड़ा रोड टू चंद्रांगुट्टा रोड, इतने फंक्शन हॉल से अब सीजन चल रहा है शादियों का, दो दो घंटे के लिए सर ट्रैफिक जाम हो रही है। मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं सर आपके सामने ठहर कर, आज मुझे तकलीफ हो रही है सर, इस तकलीफ के लिए मैं ठहरा हूं। SRDP के काम इमीडिएटली लीजिए, ये बहादुर ताड़बन चौरस्ते से लेकर आलमगढ़ चौरस्ते तक भी SRDP का काम स्टार्ट हुआ है। इधर मलकपेट से लेकर संतोष नगर तक भी SRDP का काम हुआ है। आप इमीडिएटली काम कराइए और अच्छा काम करिए सर, थैंक यू। साथ आपने ये भी पूछा कि इसका लोन कौन पे कर रहा है और किसने लिया। हमने एक रुपी टर्म लोन लिया इसके लिए, हमारे GHMC को और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने उसको गारंटी दिया। तो कुल मिला के हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक लोन लिया और उसका एनुअल डेट जो है कुल मिला के 310 करोड़ पे आ रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, लोन जब कोई भी गवर्नमेंट लेती है या कोई भी इंस्टीट्यूशन लेती है, वो कहाँ पे खर्च हो रहा है वो देखना है। लोन लेते हैं हर कोई लेता है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन लेते हैं, जैसा अगर कोई अच्छा कैपिटल वर्क बन रहा है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, कोई STP बन रही है, उसके उसमें लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जितना पैसा हम उठाते हैं, जितना खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा पैसा बनाने का मौका भी गवर्नमेंट को और GHMC को मिलता है। तो मेरी गुजारिश आपसे है, हमारे कांग्रेस के जो दोस्त हमारे यहाँ पे है बार बार यही शिकायत करते हैं कि हम लोग लोन पे लोन लिए जा रहे हैं। तेलुगु में एक कहावत है, मैं उर्दू में तो बोल नहीं सकता इसलिए तेलुगु में बोल रहा हूँ, అప్పుడు చేసి పప్పు కూడా తినొద్దని చెప్తారు, అంటే అప్పు చేసి సంక్షేమానికి పప్పు బిల్లలు వంచినట్టు పంచితే తప్పు, కానీ అప్పు చేసి ప్రొడక్టివ్ సెక్టర్లో పెడితే ఒక్కొక్క రూపాయికి మళ్ళీ 2 రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం వస్తుంది అధ్యక్ష. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ మోర్ అబౌట్ లివరేజింగ్ ఎకానమీ, దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ అసెట్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ అవర్ చిల్డ్రన్, ఫ్యూచర్ జనరేషన్. తో మేరీ గుజారిష్ ఆప్సే హై, హర్ ఏక్ రూపాయా జో ఖర్చ్ హో రహా హై ఇస్కా 2 రూపాయా మునాఫా ఫిర్ గవర్నమెంట్ కో ఔర్ GHMC కో హోయేగా, ఆప్ బేఫికర్ రహియే ఔర్ ఇస్ బారే మే ఆప్కో చింతా కర్నే కీ కోయీ జరూరత్ నహీ. दूसरी बात, ROB फलकनुमा आपने बताया, सितंबर तक इसको भी
कंप्लीट करेंगे। फलकनुमा का जो आरोपी आपने पूछा, इसको भी कंप्लीट करेंगे। हमारे महाविवेक